सो हेलो एवरीवन, ये हम लोग का स्लैब का है। स्लैब का बाद बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे BBS। तो अभी यहाँ देखते हैं डायमेंशन जो इसका दिया है। देखिए 4500 mm है इसका लेंथ जो है, बीथ जो है 2600 mm है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ऐसे देखिए, ये जो है ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिए हैं और ये जो है इसका मेन बार है। और ये जो स्लैब है, देखिए यहाँ से इसका लेंथ बाई बीथ का जो रेशियो आ रहा है 1.25, यानी 2 से छोटा है तो इसका जो है ये 2A स्लैब होगा। अगर 2 से बड़ा होता 1A स्लैब होगा हो जाता। तो अब यहाँ देखिए जो इसका दिया हुआ स्टील की साइज, स्पेसिंग, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार के जो साइज है वो 150 mm दिया हुआ। और जो इसकी स्टील की जो डायमीटर है 12 mm दिया है। तो ये जो है टॉप बार के बारे में, स्टील की डायमीटर जो है 8 mm है और स्पेसिंग जो है सेंटर टू सेंटर वो 150 mm, मतलब 150 mm है। सो अब देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें फिगर जो खराब बन गया, तो देखते हैं बाकी। देखिए नंबर ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ओके, एक एक करके निकालते हैं। नंबर ऑफ मेन बार के कितने नंबर हैं, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। लेंथ इसका कितना है, लेंथ इसका 4500 mm और स्पेसिंग कितनी है 150 mm प्लस 1, टोटल कितना आता है 31 आता है। हम लोग का मेन बार का, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी देखते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार तो 3600 mm अपन 150 mm प्लस 1 इक्वल टू ये कितना है 25, 25 नंबर ऑफ बार है। तो अब देखते हैं कटिंग लेंथ निकालने के लिए। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कटिंग लेंथ निकालने के लिए। तो कटिंग लेंथ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग निकालते हैं। देखिए कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, क्लियर स्पान प्लस 2 × LD प्लस 1 × 0.42D माइनस जितना पे बेंड है 45 बेंड इंटू 2। अब देखिए यहाँ से है जो क्लियर स्पान जो है 4500 मेन बार का है और प्लस 3600, 3600 नहीं रहेगा यहाँ पे, 4500 ही रहेगा। सो हम लोग का जो है ये इसका जो है 3600, सॉरी नहीं रहेगा, फिर उसके बाद 2 × 40 × 12 और प्लस 0.42 × D, D के वैल्यू 80, A कैसे आया है। अब यहाँ पे हम लोग D के वैल्यू निकालते हैं। देखिए 150 जो स्पेसिंग है माइनस 2 × 50, 50 क्या है, सॉरी 50 नहीं 25 है, 25 × सॉरी माइनस 12 इक्वल टू 88। हम लोग को यहाँ से वैल्यू आ गया तो ये, और माइनस 2 × 45 पे बेंड हुआ तो 45 पे बेंड हुआ तो 45 को जो हम बोल देते हैं बेंड 45 पे पाई लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगर ये 90 पे होता तो 2 पाई लेते हैं। तो हम लोग इंटू 2 था तो 12 × 2, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है इतना आ रहा है 5472.96 mm। अब नेक्स्ट देखते हैं कटिंग लेंथ अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला का जो क्लियर स्पान है 3600, सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। × 2 × 40 × 12 और फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डी के भी वैल्यू 88 ही रहेगी mm और टोटल हम लोग जो वैल्यू आई 4572.96, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 4.5
5.72, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5.472। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का है टॉप एक्स्ट्रा पीस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे 8 mm डायमीटर था, स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 150 mm था। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ लॉन्ग बार एंड शॉर्ट बार, इसको दो। तो अब ये देखते हैं कि नंबर ऑफ शॉर्ट बार के जो शॉर्ट बार जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था और मेन बार जो है लॉन्ग बार। तो इसके लिए ये देखिए इसका जो है 3600/5 और डिवाइडेड बाई सेंटर स्पेसिंग 150+1=5.8 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट 6 ले लेते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट इसको 6 कंसिडर कर। सो इट नीड टू टाइम्स के लिए इसको वैल्यू कितना होगा 12 होगा। फिर इसके बाद नंबर ऑफ लॉन्ग बार के लिए देखते हैं तो ऐसे इसका भी कि 4500/5 और स्पेसिंग कितनी है 150+1=7 आ रहा है। इसको भी हम लोग टू टाइम्स कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्ग बार एंड शॉर्ट बार, कटिंग लेंथ निकालेंगे हम लोग। कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्ग बार के लिए तो ये मेन बार के लिए ये जो 4500 mm है प्लस 2 × 40 × 8 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5140 mm। जो हम लोग एट एम एम × 2 × 40 हाँ इतना ही आएगा 5140। अब शॉर्ट वालों के शॉर्ट बाद के ऐसे देख लेते हैं, शॉर्ट बाद के भी 3600+2 × 40 × 8 = 42-40 mm आए। अब हम लोग BBS की साइज ऐसे हम लोग चार्ट बनाते हैं फिर इसमें बताते हैं कितना है। अब हम लोग देखते हैं कि BBS का जो चार्ट बना हुआ है तो इसमें क्या है, ऐसे लिखे हमने, ऐसे चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन मेन बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ, फिर बेट अपन लेंथ और एक क्वांटिटी केजी में रहेगी। तो यहाँ पे मेन बार जो है, मेन बार का जो डायमीटर था 12 है, 12 mm है। नंबर ऑफ बार कितना आया था 31 आया था और लेंथ जो है 5.472 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और इसकी है ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकलती है d² / 162 बेट, ये होगा बेट पर मीटर का वैल्यू। यहाँ डी के वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना है 12 mm, इसको 12² / 162 = 0.9। तो ऐसे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को 0.88 आ रहा था, 0.89 हम लोग ले लेंगे ऐसे यहाँ पे। अभी देखिए ये टोटल क्वांटिटी हम लोग की नहीं 150, इसमें क्या करना है हम लोग को क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका जो है जो बेट अपन मीटर है ये, और ये जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट किया है और नंबर ऑफ जो बार है टोटल, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये बेट आ जाएगा टोटल केजी में कितना है। सो नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का, 12 mm है, नंबर ऑफ बार 25 आया है और लेंथ जो है 4.572 है। और इसका भी सेम हो जाएगा क्योंकि 12 mm है 0.89 और इसका जो है 101.72 kg आ रहा है, ये सब केजी में वैल्यू है। सो शॉर्ट बार के देखते हैं, शॉर्ट बार का क्या 8 mm है डायमीटर, नंबर ऑफ 12 आया बार और 4.240 है और इसका बेट पर मीटर कितना है 0.4 है। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है कि यहाँ पे 12 की जगह 8 mm रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.4 और इसका जो क्वांटिटी आ रही है 20.37। सो लॉन्ग का देखते हैं, लॉन्ग बार का इसका 8 mm है और इसके जो हम लोगों ने
नंबर ऑफ बार कैलकुलेट किया था 14, और इसका जो लेंथ हम लोग को आया था 5 पॉइंट, ये देखिए 5 पॉइंट, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5.140। तो यहाँ से हम लोग को ये आएगा 0.4 है, और टोटल इसकी क्वांटिटी आई 28.74। सो नाउ टोटल एक ये सब केजी में वैल्यू है, टोटल आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी स्टील की 301.84 kg आएगी। तो हम लोग का नेट क्वांटिटी निकल गई। सो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने पहले क्या किया स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ मेन बार का निकाला, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार का निकाला, फिर उसके बाद कटिंग लेंथ निकाला, और यहाँ से क्लियर स्पान, और फिर प्लस ए 2 × d, और यहाँ पे जो 40 लिया गया है 2 × d के 40, 40 क्या है, LD की वैल्यू पहले से गिवन थी यहाँ पे कि LD इक्वल टू 40 × d, डेवलपमेंट लेंथ है, इसकी वैल्यू पहले से 40 × LD की वैल्यू 40 × d, d क्या डायमीटर ऑफ स्टील। तो यहाँ से हमको डी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकाले हैं भाई इसका मेन बार का कटिंग लेंथ टोटल कितना है, और फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ हम लोग निकाले हैं 4.572। सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि जो टॉप स्टार बार प्रोवाइड कर रहे थे उसको हम लोग निकाले हैं कि टोटल लेंथ कितना, टोटल नंबर ऑफ बार कितने आ रहे थे, इसमें 12 आ रहे थे शॉर्ट बार में, और लॉन्ग बार में 14 आ रहे थे, और कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्ग बार एंड शॉर्ट बार। तो हम लोग ने इसका कैलकुलेट किया था, लॉन्ग बार के लिए 5.150 mm आया था, शॉर्ट बार के लिए 4.20 आया था। तो उसके बाद हम लोगों ने BVS यहाँ पे भी देखिए 40 आया, 40 LD की वैल्यू है जो, सॉरी 40 आया 40 × d, तो जो LD डेवलपमेंट लेंथ का जो वैल्यू दिया गया 40 × d दिया गया था। तो d क्या है डायमीटर ऑफ, और ये क्या है 40 × d, और 2 क्या 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बताए थे 2 टाइम के, 2 टाइम क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे भी हम लोग कितना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 टाइम लिए हैं, ये देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी हम लोग 2 टाइम्स लिए हैं, और यहाँ 45 एंगल की वजह से हम लोग 45 एंगल के, ये जो है हम लोग को वहाँ कहाँ गया है 45 पे हम लोग कितने लिए थे, 1 D लिए थे, वैसे में क्या है कि 2 D हम लोग लिए हैं, 2 टाइम्स आर डेवलपमेंट लेन। तो ये हम लोग हो गया, और नेट क्वांटिटी हम लोग की टोटल आई है 301.84। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।